वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हमारे नैनीताल में देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है। सुबह सुबह मौसम कितना अच्छा है, यहाँ से देख सकते हैं। और अभी बजे हैं 9:30, तो 9:30 ही बजे माशाल्लाह से बहुत अच्छी धूप निकल गई। और आज हम जा रहे थे रुद्रपुर। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे कि नैनीताल में आप घूमने आए हैं और आपके पास बजट कम है और आप जाना चाहते हैं यहाँ से हल्द्वानी, तो किस तरीके से आप लोग जा सकते हैं हल्द्वानी। तो यहाँ से बस भी चलती है और टैक्सी भी चलती है। बस का किराया है अपना 90 रुपये है या 85 रुपीज़ है एक आदमी का। और टैक्सी से जाएंगे तो टैक्सी से 200-250 भी ले लेते हैं, 150 भी ले लेते हैं। और कोई जैसे नैनीताल का बंदा आप नीचे की ओर जा रहे हैं हल्द्वानी के, तो वो आपसे 100 रुपये में भी ले देंगे क्योंकि उन्हें जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। तो अभी हमें नैनीताल के तल्लीताल डाट पर, तो यहाँ से हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि आज का नज़ारा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें। हमारे तल्लीताल डाट चौराहा, तो यहीं से हमें टैक्सी मिलने वाली है और यहीं से हमें बस मिलती है। तो यही बस स्टैंड है यहाँ पे और टैक्सी स्टैंड भी है। जैसे हल्द्वानी वाले सारे आते हैं वो यहीं पर उतार देते हैं और यहीं से जो है सवारी रिटर्न ले जाते हैं। सवारी का चार्ज मैंने आपको बता दिया था। फुल टैक्सी आप लोगों को करना है 200-250 रुपये भी एक आदमी के ले लेते हैं, 150 भी ले लेते हैं। और फुल टैक्सी आपको करना है तो 1,800 रुपये ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए चौराहा पूरा डैट से काफ़ी अच्छा नज़ारा भी देखने में मिलता है मल्लीताल के ओर का। तो वो सामने पूरा मल्लीताल है और यहाँ से देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना प्यारा नज़र आ रहा है पूरा मल्लीताल। और आज देखिए धूप कितनी अच्छी निकली है, चमचमाती हुई धूप। और यहाँ पे देखिए बाइक पार्किंग आप लोग खड़ी कर सकते हो। ओहो नाजिम भाई अस्सलाम वालेकुम, वहाँ कहाँ हो भाई? तुम्हें तो पता ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे कहीं पर भी यार। आप तुम्हारा पता ही नहीं है भाई, दिखाई नहीं दे रहा। मल्लीताल तो तुमने छोड़ ही दिया। चलिए शुक्रिया, आप हमारे ब्लॉग देखते हैं। और इसी के साथ आप नज़ारे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा नज़दीक लेके जाके। और यहाँ देखिए सुबह सुबह काफ़ी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी लोग जो हैं होटल के लिए वेटिंग कर रहे हैं कि होटल देखने गए हैं कुछ इनके साथ वाले। और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे धूप खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो अभी बजने वाले हैं 10 और इस तरह का आप लोग नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिला है। उसी के साथ धूप कितनी अच्छी निकल रही है देखिएगा। और मतलब 2 दिन जो है मौसम ख़राब था, आज मौसम एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास और बढ़िया मौसम है। तो चलिए हम चलते हैं हल्द्वानी की ओर। तो यहाँ से अभी देखते हैं हम किस चीज़ में जाते हैं, कोई हमें स्टाफ का मिलता है या फिर कोई टैक्सी वाला ही भाई लोग मिल जाए तो उसी की गाड़ी में बैठ के चलेंगे, क्योंकि बस में हमें लग जाएगा टाइम। तो हम चलेंगे टैक्सी से, तो देखते हैं टैक्सी वाला कितने किराया लेता है स्टाफ वाले से। तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी टैक्सी वाले भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे सवारी ढूंढने के लिए इधर भी। और ये है अपना हल्द्वानी का रोड जिससे हम जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है पंतनगर हवाई अड्डा, काठगोदाम, हनुमानगढ़ी। तो यहाँ पे 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से पंतनगर, जहाँ पे हवाई अड्डा है। तो आप फ्लाइट में जाना चाहें तो फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं यहाँ से, नैनीताल से ही आपको बुकिंग हो जाएगी फ़्लाइट की। तो यहाँ पे सभी खड़ी हैं हल्द्वानी की जाने वाली टैक्सी हैं। तो जहाँ हम देखते हैं किस टैक्सी में जाते हैं यहाँ से। और ये है नैनीताल का बस अड्डा। तो यहाँ पे 2 बस अड्डे हैं, एक सुकाताल में है और एक अपना मल्लीताल में है, देखिएगा। तो ये सारी बसें खड़ी हैं हल्द्वानी जाने के लिए और ये टैक्सी खड़ी है हल्द्वानी जाने के लिए। तो हम जाएंगे टैक्सी से क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है और रुद्रपुर पहुँचना है, रिटर्न भी आना है। तो यहाँ पे देखिए अभी बस आई नहीं है हल्द्वानी की, तो यहाँ पे बसें भी नंबरों से खड़ी होती हैं। तो ये देखिए बस का इंतज़ार करने के लिए कितनी सवारियाँ खड़ी हैं, देखो सभी सवारी जो हैं हल्द्वानी जाने के लिए खड़ी हैं। तो जैसे बस में आएंगे तो ये लोग बस में बैठ कर हल्द्वानी की ओर जाएंगे, कोई काठगोदाम जाएगा। तो ये अभी मतलब जिसके पास थोड़ा सा कम बजट रहता है तो वही जो है बस में बैठ के जाता है, क्योंकि बस का प्राइस है किराया हल्द्वानी तक का 65 या 85 है या 90 रुपीज़ है, ये मुझे कंफर्म पता नहीं है क्योंकि मैं अभी काफ़ी सालों से बस में बैठ के गया नहीं हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो ये बस रेडी हो गई है। तो शायद ये बस कहाँ जाएगी कंफर्म पता, तो यही बस काठगोदाम डिपो जाएगी। तो ये देखिए अब बस स्टार्ट हो गई है
और ये सवारी सारी बैठी खड़ी हैं। तो इसमें कुछ स्कूल के ग्रुप आए हुए हैं बाहर से घूमने के लिए, तो कुछ पैसेंजर भी खड़े हैं। बस जैसे स्टार्ट होगी चलेगी तो वैसे ही ये लोग बैठ के जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हम काई में जाते हैं। तो गाइज हम बैठ गए हैं टैक्सी में, तो हमारा एक भाई मिल गया था तो इसी टैक्सी में हम बैठ गए हैं। तो उन्होंने कहा शादाब भाई चलिए हम चल रहे हैं हल्द्वानी, तो अभी हमसे किराया लेंगे नहीं लेंगे ये आ गया, हम आपको बताएं या ना बताएं तो कोई बात नहीं, चलते हैं हल्द्वानी। तो गाइज अभी हम निकल पड़े हैं नैनीताल से हल्द्वानी की ओर। तो हल्द्वानी से जैसे हम नैनीताल से अब एग्जिट करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने नहीं मिलेगा। तो मेन रोड है आपका, हाईवे रोड है ये अपना, हल्द्वानी टू नैनीताल, नैनीताल टू हल्द्वानी। तो इसी रास्ते से आप लोग हल्द्वानी से भी आ सकते हैं और नैनीताल से भी जा सकते हैं। वो आपको पर डिपेंड है आपको बस में जाना है या टैक्सी में जाना है या अपनी गाड़ी से आप लोग आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम काठगोदाम पहुंच गए हैं। तो यहां से आप लोग हो जाइए सब, कोई भी आपका मोड़ नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम। ये यहाँ से जो है प्लेन्स बिल्कुल चालू हो जाता है, आप यहाँ से दिल्ली विल्ली कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी पहाड़ नज़र नहीं आएगा और कोई भी आपको बैंड नहीं आएगा क्योंकि अभी हम स्ट्रेट स्ट्रेट सीधे सीधे चलते रहेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नैनीताल की ओर जाते हुए आप लोगों को काफ़ी गाड़ी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर अस्कर लगता है जाम। ये जा रही है पहाड़ों में बस, जैसे अपने हल्द्वानी से अपना नैनीताल अल्मोड़ा काठगोदाम, तो यही रास्ता आपका मेन है जो जाता है पहाड़ों की ओर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा अगर जाना है तो अपना रामनगर साइड से है या फिर अपना टनकपुर साइड से है या फिर यही रास्ता है। तो ये जा रही है हमारे नैनीताल की लोकल बस जिसमें हम लोग जाते हैं हल्द्वानी से नैनीताल, नैनीताल से हल्द्वानी। तो ये हमारे पास में हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास। तो ये देखिएगा सामने अपने लेफ्ट में जो है रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से आपको ट्रेन मिलती है। कहीं भी जाना है अपना लखनऊ दिल्ली कहीं भी जाना है तो यहीं पे आपने ट्रेन मिलेगी। तो अभी हम चल पड़े हैं हल्द्वानी की ओर। तो फाइनली दोस्तों हल्द्वानी में एंट्री कर चुके हैं, काठगोदाम से हल्द्वानी में एंट्री कर चुके हैं। और हल्द्वानी और काठगोदाम की दूरी है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर की दूरी है। तो अपना रेलवे स्टेशन जो हल्द्वानी में भी है और एक रेलवे स्टेशन अपना जो है काठगोदाम में भी है। तो दोस्तों ये हल्द्वानी की काफ़ी फेमस जगह है जिसे बोला जाता है तिकोनिया चौराहा। तो यहाँ से आपके 4-5 रास्ते कटते हैं, जैसे अपना हल्द्वानी बाज़ार में को, बस अड्डे पे को, काठगोदाम को और यहाँ पे अंदर को सिटी में जाना है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी के अंदर एंट्री करने वाले हैं जहाँ पर हमारा बस अड्डा बिल्कुल पास में ही है। नहीं दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में मेरा दोस्त थोड़ा सा मतलब बस अड्डे से कम से कम 100 मीटर पहले ही उसे थोड़ा बहुत काम था तो उधर चले गए। तो मैं भी रुद्रपुर के लिए पकड़ूंगा टैक्सी या बस, उसके बाद जो है सीधा अपना रुद्रपुर जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है बस स्टैंड से आपको हर जगह की बसें मिल जाएंगी, जैसे अपना दिल्ली लखनऊ यूपी कहीं भी आपने जाना है मतलब ऑल इंडिया के लिए आपको यहाँ पर बसें मिल जाएंगी। और आप नैनीताल से आ रहे हो और बस में बैठ के तो वो बस वाला जो है आपको यहाँ पे बस अड्डे पे उतारेंगे, वो टैक्सी से आ रहे हैं तो टैक्सी वाला या तो आपको पीछे उतारेंगे या तो फिर उधर साइड में उतारेंगे क्योंकि बस अड्डे के 2 गेट हैं, एक ये वाला है और एक उधर साइड में। तो मैं आपको दिखाऊंगा जिस गेट से मैं जाऊँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा, उसके बाद जो मैं सीधे रुद्रपुर को निकलूँगा। पर यहाँ पर दोस्तों ना ट्रैफिक बहुत ही मिलता है, तो रुद्रपुर आप नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको सबसे सस्ता तरीका यही है, या तो यहाँ पे सवारी पे भी जा सकते हैं बस में, और टैक्सी फुल बुक करना है तो फुल भी कर जा सकते हैं, 150-200 रुपये सीट के हिसाब से भी टैक्सी चलती है तो उसमें जाना चाहें उसमें भी जा सकते हैं। तो मैं अभी पहुंचने वाला हूं जस्ट बस अड्डे पे। अड्डे पे हमेशा थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक मिलता है क्योंकि यहाँ से बसें निकलती हैं तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादा बड़ी रोड नहीं है देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारे जगह की बसें मिल जाएंगी, जैसे अपना दिल्ली हरियाणा कहीं भी जाना है तो आपको हल्द्वानी बस अड्डे पे आना पड़ेगा। और यहाँ से आपको जो है उत्तराखंड भी जाना तो यहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी, जैसे अपना कोसानी मुंशियारी चकोड़ी तो यहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी। और नैनीताल आप लोग जाते हैं तो यहाँ से टैक्सी भी मिल जाती है, और बस में जाना चाहें तो बस में जा सकते हैं आप लोग। 85 रुपये किराया बस का है और टैक्सी का चार्ज है फिर 200-250 रुपये। तो यहाँ से आप लोग टैक्सी कर सकते हैं। और यह है यहाँ का बस अड्डा हल्द्वानी बस स्टैंड। यहाँ पे देखिए कितनी बसें खड़ी हैं सामने और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। पर हमें जो रुद्रपुर की बस मिलेगी वहाँ से
और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, तो हर जगह की बसें मिल जाएंगी। तो ये हमारे नैनीताल जाने के लिए बसें खड़ी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो इधर साइड जो है आपको पहाड़ों में जाना है तो पहाड़ों की बसें मिलेंगी, और इधर दिल्ली यूपी साइड जाना है तो इधर साइड में आपको बसें मिलेंगी। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये सारी जो है हमारे उत्तराखंड की ओर जाएंगी पहाड़ों में, और ये वाली जो है अपनी दिल्ली यूपी साइड में जाएंगी। तो आप लोग जा सकते हैं, अगर नैनीताल घूमने जाना है तो इसमें आप 85 रुपीज़ खर्च करिए और आप जा सकते हैं नैनीताल घूमने के लिए। अगर आप सस्ते में नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं तो आप इन बसों में जा सकते हैं, और आप ज़्यादा मतलब आपके पास बजट है तो आप उसमें टैक्सी में भी जा सकते हैं। तो टैक्सी का प्राइस अगर फुल टैक्सी करेंगे तो फुल टैक्सी का चार्ज है आपका 1000 से 800 तक का चार्ज ले लेते हैं, और आपको शेयरिंग में जाना है तो 200 से 250 रुपये भी ले लेते हैं, 150 रुपये भी ले लेते हैं। अगर कोई किसी को नैनीताल जाना है हल्द्वानी वाले को तो वो 150 रुपये भी ले लेते हैं, और जैसे कोई नैनीताल वाले मिल जाते हैं तो वो 100 रुपये भी ले लेते हैं। नहीं तो जो यहाँ का चार्ज है 800-1200 रुपये चार्ज है ऊपर नैनीताल छोड़ने के लिए, वो आपको पर डिपेंड है आपको किस तरीके से जाना है, बस में जाना है या टैक्सी में जाना है, वो आपको पर डिपेंड करता है। अगर आपको जल्दी जाना है तो टैक्सी से भी जा सकते हैं, और आपको आराम से जाना है नो टेंशन हो के घूमने के लिए जाना है तो आप लोग जो है अपने बस से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टैक्सी वाले भाई लोग खड़े हैं जो नैनीताल नैनीताल के लिए आवाज़ मार रहे हैं। तो अभी हमें जाना है रुद्रपुर, तो रुद्रपुर की यहाँ पर बस आएगी, उसके बाद हम सीधे आपको दिखाएँगे जब हम शोरूम पहुँच जाएँगे गाड़ी के। और अब हम बैठ गए हैं रुद्रपुर की बस में, हल्द्वानी से रुद्रपुर की ओर निकल पड़े हैं, और यहाँ पे बस का किराया है ओनली 50 रुपीज़। अगर हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए भी जाना चाहते हैं 50 रुपये दे के आप लोग बस में जाना चाहें बस में जा सकते हैं, और टैक्सी का चार्ज तो दोस्तों पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ से बैठे नहीं, अपनी गाड़ी से हम लोग आते हैं और बस में भी काफ़ी दिन बाद में बैठा हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपको आगे रुद्रपुर में चल के, और काफ़ी जो है यहाँ पर गर्मी भी है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी और काफ़ी पैसेंजर भी। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं रुद्रपुर को, और दोस्तों यहाँ पे जो है टैक्सी नहीं मिलती है, या तो आपको बस ही से जाना पड़ेगा या आप कैब करके भी जा सकते हैं। तो ओनली 50 रुपीज़ का चार्ज है बस से हल्द्वानी टू रुद्रपुर, पर यहाँ पे ना दोस्तों हल्द्वानी से रुद्रपुर जाते जाते बहुत ही ट्रैफिक होता है। मिलते हैं आपको आगे और काफ़ी जानकारी देने रुद्रपुर, और रुद्रपुर में हम यहाँ पर चौराहे पर खड़े हैं। अब यहाँ पे हमारे भाई जो है हमारे दोस्त जो हैं लेने आ रहे हैं हमें, तो यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है, तो देखिए मैंने जैकेट यहाँ पे भी उतार दी है। तो मैं समझ रहा था थोड़ा सा मतलब मौसम ख़राब होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ठंड हो रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी जो है गर्म मौसम हो रहा है। कल हमारे टूरिस्ट आए थे वहाँ पर घूमने नैनीताल में, सब्सक्राइबर भी थे हमारे, तो वो बोल रहे थे मौसम थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगा तो मैं जैकेट भी ले आया था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इस चौराहे से आप हर जगह जा सकते हैं, किच्छा भी जा सकते हैं, हल्द्वानी भी जा सकते हैं, और सिटी में भी जा सकते हैं, और अपना रामपुर यूपी साइड जाना तो इधर भी जा सकते हैं। तो यह है अपना रुद्रपुर का चौराया जो पहला चौराया पड़ता है अपना। तो अभी हमें जाना है इधर के ओर इंदिरा नगर चौक, मतलब इंदिरा चौक बोलते हैं उसे, तो हमें इंदिरा चौक चलते हैं। तो ये ट्रक जा रहे हैं अभी यहाँ से पाजपुर की ओर, तो ये है पूरा हाईवे रोड है जो यहाँ से अपना हरिद्वार देहरादून बाजपुर काशीपुर जसपुर जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और ये अपना रुद्रपुर से आ रहा है ये वाली रोड, और ये रोड जो आपको मैंने बताया दिया बाजपुर की ओर जा रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक लगता है, यहाँ पे लाल बत्ती है तो इसलिए जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, और इस रोड पे जो काफ़ी बड़े बड़े ट्रक चलते हैं।
पहुंच गए हैं अपनी मंजिल में और मंजिल है हमारे सामने अंदर। तो यह है शोरूम जहाँ पे हमारे क्रेटा सही हो रही है। तो थोड़ी बहुत मतलब आउटसाइड से थोड़ी सी लग गई थी, थोड़ा पक्का वक्का लग गए थे। तो अब देख सकते हैं हमारी गाड़ी बिल्कुल नई हो गई है, बिल्कुल एकदम मस्त झकास हो गई है। तो अब नैनीताल और अपनी गाड़ी निकालते हैं बाहर और उसके बाद हम निकलते हैं सीधे अपने नैनीताल की ओर। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको आज की अपडेट दी है कि नैनीताल में अगर घूमना है तो किस तरीके से आप लोग सस्ते में घूम सकते हैं, तो मैंने आपको पूरी जो है बायो अपडेट दी है, वो पूरी बायो डाटा दिया है मैंने हल्द्वानी टू नैनीताल का, किस तरीके से आप लोग आ सकते हैं, किस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। तो आप लोगों को और जानकारी लेना है तो कमेंट में आप मुझसे मेरा नंबर और कॉन्टैक्ट मांग सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर जाइएगा, इंस्टाग्राम आईडी पे मेरा सर्च मारिएगा शादाब नैनीताल और आप लोगों को हम दिख जाएंगे। वहाँ पे फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगना चाहें मांग सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नैनीताल की ओर और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जगह पर, नेक्स्ट व्यू के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। देखते हैं नैनीताल का मौसम कैसा रहता है। तो नैनीताल में इस बार जो है दोस्तों जल्दी ही बर्फ पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।